चलो जी, क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर है 9। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही इस एक्सरसाइज के, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग सबसे पहले देखो 1 प्लस कॉस एक्स। अभी मैंने फॉर्मूला ये फिजिक्स में भी डिस्कस किया आप लोगों ने कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होता है। पता नहीं बात का आप लोगों को, cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta over 2 होता है। इस 2 को अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो ये हो गया, तो वही ये कुछ उसी टाइप का है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला देखो आप लोग, वो फॉर्मूला है कि cos 2 theta जो होता है that is equal to cos square theta minus sin square। पता नहीं बात आप लोगों को, डाउट तो नहीं इसमें। तो अब बातें देखना, ये तो डिवीजन पे टर्म है ना, 1 प्लस कॉस एक्स है। एक बात क्या देखनी, इधर देखो, इधर अगर 2 थीटा है तो इधर थीटा लिखा, मैं ऐसा बोल सकता कि इधर जो एंगल होगा, इस पॉइंट पर जो एंगल होगा उसका आधा कर देना, फिर जो बचेगा वो लिखना इधर। इधर क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स, इसका क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर और इस एंगल का आधा। डाउट तो नहीं किसी को इसमें। cos 2 थीटा, ये देखना क्या होता है, cos 2 थीटा हो तो cos स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, sin स्क्वायर हो जाता है। ये टर्म में इधर समझा देता हूं, राइट साइड में देखो cos ऑफ x है ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं cos ऑफ 2 टाइम्स x / 2 लिख सकता हूं। तो ये क्या बन गया, cos 2 थीटा की फॉर्म में बन गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर x / 2 - sin स्क्वायर x / 2। बोलो इसमें तो नहीं डाउट आ रहा है किसी। हाँ, तो ये जो cos x है इसको क्या लिख सकता हूं मैं, cos स्क्वायर आधा एंगल इसका माइनस sin स्क्वायर आधा एंगल इसका आंसर। तो ये बात बन गई, अब इसको अलग अलग कर लो। कैसे अलग अलग करना है, cos स्क्वायर x ओवर 2 ओवर 2 टाइम्स cos स्क्वायर x ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2। ये लो क्या बचा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन गया जी, 1 ओवर 2 साइन ओवर कॉस, टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2। और मैंने तुम्हें बताया था कि टेन स्क्वायर का नहीं होता है, टेन स्क्वायर जब होगा तो आप लोगों ने फॉर्मूला यूज करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीक्वेंट स्क्वायर थीटा। और इधर से अगर tan square theta की वैल्यू निकाले, tan square theta is equal to secant square theta minus 1 होता है। जब भी tan square का फंडा आएगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, देखना क्या बनने वाला है, 1 over 2 minus 1 over 2 ब्रैकेट स्टार्ट करें, इसको फॉर्मूला लगाना है, secant square theta is x over 2 minus 1, ओपन करेंगे 1 over 2 minus 1 over 2 secant square x over 2 minus 1 इंटीग्रेटेड, ठीक है। क्या करना है, इंटीग्रेटेड इसकी इंटीग्रेशन कर लो। देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऐसे लगती है और ऐसे लगती है, 1/2x माइनस 1/2 सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan x ओवर 2। इंपॉर्टेंट बात सुनना, जो ये एंगल है उसका कर देना डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किया तो 1/2 नीचे और माइनस 1 का x, आंसर आपका बन चुका है। जो छोटी बातें इकट्ठी करेंगे, ये है x ओवर 2 माइनस, देखो बात सुनो, इधर ये जो 1/2 था ना, ये मैंने इससे तो मल्टीप्लाई किया, इससे तो होगा, लग रहा है ना पता। तो आप लोग देखो तो ये क्या बच गया, माइनस, ये तो फिर कट गया सारा, ये कट गया ना, ये कट गया और ये भी कट गया, बचा सिर्फ ये। तो ये बन गया आप लोगों का 1/2, ये नीचे 1/2, ये भी कट गया, सिर्फ बचा आप लोगों का tan of x over 2 plus का c। एक और चेक करें, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी हमारी में, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, देखो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे इधर से तो क्या होगा, माइनस 1/2 secant square x / 2 और माइनस माइनस ये प्लस का, ये दिक्कत है, ठीक है जी। ये बन गया प्लस का x ओवर 2 प्लस c,
तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये देखो x ओवर 2 पड़ा है और वो प्लस का x ओवर 2, सो x ओवर 2 प्लस x ओवर 2 विल बी इक्वल टू x के इक्वल बन जाएगा, ठीक है, x ओवर 2 प्लस x ओवर 2 आप लोग ऐड कर लेना एंड विल बी इक्वल टू x, तो ये बन गया x माइनस tan x by 2 प्लस c, ठीक है जी। एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तुम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या करना पड़ेगा, देखो साइन रेज टू आर 4x है, क्या करोगे आप लोग, सिंपल करोगे इसको स्क्वायर की फॉर्म में बदल दो, ऐसे और ऐसे, ठीक है, फिर क्या करना चाहिए, फॉर्मूला लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला तुम लोगों ने जैसे इधर से पढ़ा है, ये तीन फॉर्मूले होते हैं, तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, पता नहीं बात आप लोगों को, ये आप लोगों को अटपटा सा लग रहा था, ये पढ़ा तुम लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ठीक है। तो आप लोग इधर से ही फॉर्मूला यूज कर ले, तो इस पे अगर मैं लगा देता हूं तो क्या बनना है, देखो 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 ऐसे, और इसके लिए भी वैसे बोलो, और इसी चीज को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं, कैसे कि इसका होल स्क्वायर ओवर 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे, तो इसी को आगे क्या करेंगे हम लोग a माइनस b होल स्क्वायर लगा दूंगा, देखो इसका 2 का स्क्वायर कर लेता हूं, ये बन गया 1 बाई 4, आगे देखना ये बचा क्या 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, ऐसे बच गया, हाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दे, इसमें क्या होगा, देखो 1 बाई 4 ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a B। अब आप लोग देखें 1 की इंटीग्रेशन तुम्हें आती है x, 2 cos 2x की इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हो, बचा फंक्शन cos square का, उसकी भी इंटीग्रेशन आप लोगों को बताई गई है, cos square के लिए आप लोगों को फिर से एक बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta over 2, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसके बाद सारा क्वेश्चन सिमेट्री में आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो 1/4 ऐसे कैलकुलेशन में ध्यान रखना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखना 1 प्लस कॉस क्या होता है, एंगल का डबल हो जाता है, इधर एंगल है 2x, इसका डबल कर देंगे 1 प्लस कॉस 4x ओवर 2, वही है, और ये ऐसे लगाना ना भूले, माइनस 2 कॉस ऑफ 2x ऐसा करें, ठीक है जी। अब सिंपल मैथ्स लगा लेते हैं, मैथ्स पे क्या करेंगे आप लोग, ऐसा करो इस 4 को चलो आउट ही रख लेते हैं, क्यों ज्यादा बोलना, ऐसा ये 1 बना लेते हैं, 1 प्लस ये क्या बन जा रहा है 1 ओवर 2 अलग से बोलो, अगला आ जा रहा प्लस कॉस 4x ओवर 2 माइनस 2 कॉस 2x, किसी को डाउट नहीं आ रहा, देखो 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस कॉस 4x ओवर 2 माइनस 2 कॉस 2x, तो ये 1 प्लस 1 ओवर 2 इज 3 ओवर 2 होता है, पता नहीं सबको, 1 प्लस 1 ओवर 2 इसको सॉल्व करोगे 2 प्लस 1 दैट इज 3 ओवर 2, इस सारे की जगह मैं लिख लेता हूं 3 ओवर 2, आधी बात समझ मेरी, हां। अब इसकी इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो सबकी इंटीग्रेशन आपको पता है, इधर कर लेते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऐसे ऑन इंटीग्रेटिंग करना और इस टर्म की इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग, ऐसे लगा देते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऐसे, और इधर लिख देता हूं dx, जैसे इंटीग्रेशन इसकी करेंगे ये ऑन इंटीग्रेटिंग लिख दिया, ये क्या बन गया, देखना जरा इंटीग्रेशन 1/4, ठीक है, और ब्रैकेट की स्टार्ट 3 ओवर 2 की इंटीग्रेशन करोगे दैट इज 3 ओवर 2 x प्लस cos की इंटीग्रेशन क्या होगी sin 4x, और देखो 2 तो पहले से ही पड़ा है और 4 भी आएगा, तो 4 2 कितना बन गया 8, इसको मैं 8 लिख देता हूं, माइनस का माइनस 2 cos की sin 2x और 2 और ब्रैकेट और प्लस c लगा दो, ये आप लोग आंसर बन जाएगा, बाकी आप लोगों को सिमेट्री देनी है इसकी, तो सिमेट्री दो एक बार, नेक्स्ट स्टेप किसी को देना तो वो दे दो,
वो स्टेप है मल्टीप्लाई कर दो उसको, क्योंकि आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे बन जा रहा है 3x/8 और साइन 4x 8 × 4 = 32 और इसको 2 से 2 बढ़ जाएगा और फिर 4 तो मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 को, तो बन जा रहा है साइन 2x/4 + c इस तरह से प्लस c, ठीक है, आंसर बन जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेम वे से आप लोग ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 11 और 11 में फिर से क्या करना पड़ेगा, देखो थोड़ा फास्ट फास्ट काम करेंगे। cos square 2x dot cos square 2x, देखो देखो, और cos square इसको मैं ऐसे चली सकता हूं, देखो सर एक फोर एक्स में cos square 2x और उसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, देखो cos raised to 4 है उसको ब्रेक कर दिया बेस सेम पावर ऐड फिर इसका ओवरऑल कर दिया। अब इधर से मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, ये फार्मूला देखना, ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, 1 + cos और एंगल का डबल, थीटा मींस कोई एंगल था उसका दुगना कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, इधर एंगल है 2x उसका दुगना करेंगे तो 4x ओवर 2 होल स्क्वायर, फार्मूला बन गया। इसको 1/4 आउट करें और 1/4 आउट कर लिए तो बचा क्या ब्रैकेट में 1 + cos 4x² तो ये क्या बन गया देखना 1/4 a + b² दैट इज a² b² प्लस 2ab। बोलो डाउट नहीं आ रहा, a² + b² + 2ab बोलिए। देन आप लोग इसके आगे फिर से वही काम करने वाले हम लोग, 1/4 1 तो ऐसे आ गया, फिर से इधर फॉर्मूला लगेगा यही फॉर्मूला डायरेक्ट, फिर से ये फॉर्मूला कैसे लगाओगे, 1 + cos एंगल का डबल 4x का डबल कर देना है 8x और ओवर 2 ऐसे ले लो प्लस 2 cos 4x। डाउट नहीं आ रहा किसी को इसमें, हाँ क्लियर चल रहा ना काम, ये क्या बन गया देखो 1/4 आ गया, ऐसे रखो ब्रैकेट स्टार्ट की 1 + 1/2 + cos 8x/2 + 2 cos 4x और ऐसे, ठीक है 1 + 1/2 + cos 8x/2 + 2 cos 4x तो ये फिर से 1 + 1/2 ये वाला 3/2 बन जाना है, लग रहा ना पता, ये 3/2 बन जा रहा है, ये बन गया 1/4 ब्रैकेट स्टार्ट और ये देखो 3/2 + cos 8x/2 + 2 cos 4x/2 ऐसे ही आप पता इंटीग्रेशन करेंगे इसकी dx। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इतना जरूर लिख देना और इंटीग्रेटिंग ऐसे जरूर लिख देना, क्योंकि इंटीग्रेशन बीच जैसे लगा रहे ना और इंटीग्रेटिंग जैसे इंटीग्रेशन लगा दी तो ये बन गया देखो 1/4 ब्रैकेट कर लो स्टार्ट 3/2x और अगला बनेगा देखो cos का sin, देखते रहना जरा sin 8x और डिवीजन पे 8 आएगा इसका और 2 पहले से पड़ा तो 16 बन गया प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos का बन गया फिर से sin 4x/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। इस 4 को मल्टीप्लाई अगर कर ले तो देखो 3x/8 प्लस sin 8x/64 चला गया, बड़ा चला गया और sin 4x/16 प्लस का c आ गया। एक बार आप लोग चेक कर लें इसको अगर कुछ पर्टिकुलर डाउट है। देन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 जिसको समझ नहीं आया एक बार देखो बोर्ड पे बता रहा हूं। 1 + cos x के लिए फार्मूला यूज किया जा रहा है ये 1 + cos 2θ जो होता है इस तरफ 2 ले जाओ 2 cos²θ होता है तो ये बन गया 2 cos² इस एंगल का आधा x/2 और sin² x² डबल कर दो sin x इस पे फार्मूला लगाएंगे sin 2a का दैट इज 2 sin a cos a। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं sin x बोल रहा हूं इधर ये देखो sin x पे लगा रहा हूं तो सपोज इसको ऐसा कर लो कि x है बोलो हाँ? इसको ऐसा कर लो तो क्या होगा तो ये बन जाएगा 2 sin ये एंगल x/2 cos x/2 इस तरह से 2 sin x/2 cos x/2 2 sin x/2 cos x/2 इस पे मिला लिया 2 से 2 कटा cos² x/2 से एक कट गया दूसरे से ये कट गया बचा क्या ऊपर देखना गलती ना हो दिमाग रखना इधर ही
टू का टू आ गया, साइन एक्स ओवर टू, साइन एक्स ओवर टू दैट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू। और आप लोगों को मैंने बताया है कि साइन स्क्वायर का फंक्शन कैसे सॉल्व करना है विद दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला, तो ये अप्लाई करो, वन माइनस कॉस एंगल का डबल एक्स ओवर टू का डबल एक्स ओवर टू, और ऐसे थोड़ा सा अरेंज और करेंगे इसको, ये टू से टू कट जाएगा, वन माइनस कॉस ऑफ एक्स, इस तरह से इंटीग्रेशन सॉल्व करें, वन की आ जाएगी एक्स माइनस कॉस का क्या होगा साइन ऑफ एक्स प्लस सी, बोलो okay. चेक कर लो, किसी को डाउट है पूछो।